रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। एज पाकिस्तानी मैं उनको मिलने आया था बिकॉज तीन बार के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो और मैंने हर हवाले से उनसे जो बात की है वो सकाफत के हवाले से बात की है कि हमारी सकाफत में जो जो मैं करता आ रहा हूँ या मैं 40 साल से, तो उन सूरत हाल में कुछ हमारी बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें हुई हैं साहब से, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मीडिया में 40 साल हो गए हैं, तो मेरा जो असल इंटरेस्ट है, मेरा जो असल फोकस है, मेरा जो असल महाज है वो सकाफत का महाज है। वहाँ जहाँ जहाँ चीज़ें लैक कर रही हैं उनकी मैंने निशानदेही करने की कोशिश की और नौमिया साहब ने उसको एग्री भी किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम अगर वैल्यूज़ की बात करते हैं ना, तो मियाँ साहब खुद बड़े वैल्यूज़ को कैरी करने वाले हैं और जो मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है, हमारी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी PTV की जो एक चली आ रही थी पूरी एक उसकी इन्फ्लुएंस टूवर्ड्स द सोसाइटी, वो रुक गया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रुक गई है, जो वैल्यूज़ की जो हमारी नई जनरेशन की जो आगे ट्रांसफॉर्मेशन थी वो रुक गई है। आई थिंक उसको काम करना। अच्छा, सेहत कैसी थी मियाँ साहब की, आपने गुफ्तगू से की मुलाकात की? मियाँ साहब की सेहत ठीक है माशाल्लाह, एंड बाकी उनका ट्रीटमेंट तो ज़ाहिर है चल रहा है, तो वो तो उठना चाहिए, लेकिन अदरवाइज मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई है आज मियाँ साहब से मिलकर, क्योंकि मैं चाह रहा था कि इतने अर्से के बाद उनको, तो इट वॉज रियली नाइस। थैंक यू सर। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।